तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं रामपुर से कोई 20 किलोमीटर पीछे और व्यू इस तरह है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अपनी धनोरानी मंदिर खुला हुआ है। टेम्पल का एंट्रेंस इस तरह कुछ। तो गाइस मंदिर बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा है। रिया यही है सब इस तरह ये मंदिर भीमकाल। नगाड़े धूप लग रही है। भीमकाली टेम्पल किमला के जो लास्ट विलेज है सरान की वहाँ पे है पड़ता है भीमकाली टेम्पल। बड़ा मंदिर को कितना टाइम हो गया? 700 वर्ष। जो रामपुर तहसील के अंदर जितनी भी देवते हो दशहरे के दिन यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो 700 वर्ष पुराना टेंपल। येलो लोकल ज़्यादा बोले तो गोली मार देगा अंकल। ये मंदिर कुछ इस तरह ऊपर मेन मंदिर यहाँ पे ये नया तो ये रहने के लिए यहाँ बंदोबस्त डॉर्मेट्री सिस्टम ऊपर रूम्स है। बर्फ में ऐसा होता है देखो भोलेनाथ का मंदिर तो काफी पुराना लग रहा है। देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त तरीके बनाया हुआ है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो था पहले जो यहाँ के राजा थे वो रहते थे तो उनका अपना ये पर्सनल मंदिर था। उन्होंने यहाँ पे 1962 में दूसरा मंदिर बनाया। फिर यहाँ पे 1962 में ट्रस्ट वालों के थ्रू फिर यहाँ पे यात्रियों को आने की अनुमति दी गई। तब तक ये सिर्फ और सिर्फ राजा की फैमिली रहती थी और दर्शन करते थे। लीची का पेड़, अखरोट का पेड़, प्लम का पेड़, आड़ू का पेड़, एप्पल के पेड़। तो यहाँ फ्रूट होता है काफी। ये है कुछ इस तरह व्यू यहाँ का। तरफ है पिछली तरफ श्रीखंड महादेव जो बर्फ वाले पहाड़ है, इस तरफ श्रीखंड महादेव। मैं इनसे बात करता हूँ दोस्तों से। फीलिंग बेटर। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बजे। तो 9 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे हमने रूम लिया था। ये जगह है सरान में जो कि शिमला से है शायद 150-200 किलोमीटर दूर, इसके बीच में ही होगा। और कमरा हमको चीप प्राइस में मिला, ज़्यादा महंगा नहीं था, बाकी सब अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। हेलो हेलो 1 2 माइक चेक। चितकुल दादी जी नमस्ते।